दोस्तों, आज मैं आपको 6 से 12 महीने के बच्चे के लिए पैंट की कटिंग और स्टिचिंग बताने जा रही हूँ। आप ये मैं पैंट बता रही हूँ, आप बचे हुए कपड़े से भी अपने बच्चे के लिए पैंट बना सकते हैं। मैं ले रही हूँ लंबाई 15 इंच, कमर ले रही हूँ मैं 8 इंच। 8 इंच वैसे मैं इसलिए ले रही हूँ कि मेरा कपड़ा दोनों साइड से खुला हुआ है, तो आधा इंच आगे के लिए सिलाई जाएगी और आधा इंच पीछे के लिए सिलाई आएगी, तो टोटल होगा 7 इंच। ये मैं ले रही हूँ 8 इंच। मैं जो नेफे के लिए जो इलास्टिक डालने के लिए, वो मैं साथ में ही एक साथ ले रही हूँ, जिससे कन्फ्यूज़न ना हो आपको। ये मेरा आगे का हिस्सा खुला हुआ है, कपड़े का हिस्सा खुला हुआ है, इसलिए मैं आधा आधा इंच वहाँ के लिए दे रही हूँ। ये मैंने ले लिया है टोटल 8 इंच। ये मैं आज़न को एक साथ जोड़ देती हूँ, मिला देती हूँ। आप आधा इंच यहाँ से इस तरीके से गोलाई लेंगे ऐसे। यहाँ से मैं ले रही हूँ टोटल 6 इंच, आधा इंच आगे के लिए मुड़ जाएगा और आधा इंच पीछे के लिए मुड़ जाएगा, तो टोटल हमें तैयार तैयार गोलाई मिलेगी 5 इंच। यहाँ से हम आसन के लिए जोड़ देंगे। अब आप इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ हमारे पजामे की कटिंग हो गई है। ये हमारे आसन है, इसे इस तरीके से रखना है। ये वाइट कपड़ा है तो मैंने सीधे तरफ के लिए क्रॉस का निशान कर दिया, जिससे पता चले। ये इतना हमें मोड़ना है नेफे के लिए। आधा इंच मैंने नीचे कर दिया है और अब अपन इसे इस तरीके से उठाकर इसकी मशीन में इस तरह यहाँ से सीधे सिलाई लगानी है, दोनों आसनों को जोड़ देना है। अब ये इसके दोनों साइड हमें जोड़ लेने हैं। ये इसके दोनों किनारी हैं, इसे सीधे यहाँ से सिलाई लगानी है। यहाँ से हम थोड़ा सा आधा इंच मोड़ लेंगे, ये इसकी मोहरी होगी। यहाँ से इसे रखकर सीधी सिलाई मार देंगे।
ये इसके दोनों मोरियाँ तैयार हमने मोड़ ली हैं। ये देखिए ऐसे तैयार हो चुकी हैं। अब ये जो नीचे का हिस्सा है इसे भी सिलाई कर लेंगे हम। हम इसके नेपे के लिए मोड़ेंगे। ये भी आधा इंच मोड़ रहे हैं। थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए सिलाई कर लेंगे हम। आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, इलास्टिक डाल सकते हैं। वैसे इलास्टिक बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है कि पतली वाली इलास्टिक आप डाल दें। मेरी आधी इंच की है तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ 1 इंच मैं कपड़ा मोड़ रही हूँ। तो मीन्स मेरा 7 इंच का आसन कहलाएगा। ये लास्ट तक जाने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए यहाँ से अब गैप कर देंगे। ये हमारा छोटा बच्चे के लिए पजामा तैयार हो गया है। अब बस इसमें हम ऊपर से इलास्टिक डाल देंगे सेफ्टी पिन की हेल्प से। आप अपने बच्चे की कमर नाप लीजिएगा इलास्टिक से, इसका मैं कोई नाप नहीं बता रही हूँ आपको। ये इलास्टिक हमने तैयार कर लिए, ये यहाँ से मशीन से इसे सिल लेंगे थोड़ा सा। इसे डबल सिलाई कर लीजिएगा क्योंकि अगर हम कच्ची सिलाई करेंगे तो ये कभी भी निकल सकता है, इसलिए 2-3 सिलाई कर देंगे तो ये पक्का हो जाएगा। दोस्तों अब ये आपके 6 to 12 month के बेबी के लिए पजामा रेडी हो गया है। आपके पास जब भी कोई कॉटन का कपड़ा बच जाता है या आप मार्केट से भी खरीद के अपने बच्चों के लिए गर्मियों के लिए इस टाइप के कॉटन के पजामे बनाकर यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल होता है और बहुत ही आरामदायक होता है, तो आप घर पे भी ये ट्राई कर सकते हैं। और यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।